हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सेफ्टेक टेक्निकल एनालिसिस में। आज हम स्टडी करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का। उससे पहले मेरा एक डिस्क्लेमर होगा कि इस वीडियो को जो भी हम स्टडी करते हैं और ये एनालिसिस ओनली एजुकेशनल और लर्निंग पर्पज से, ना कि ट्रेडिंग पर्पज से। यदि आप ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेस पर ही ट्रेड करें। सेकेंड थिंग, इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं स्टॉक की भी स्टडी करता हूँ या उसका ओवरव्यू या उस स्टॉक का अपने एनालिसिस के बेस पे शेयर करता हूँ उसका नाम, जो कि स्टॉक ऊपर या नीचे की तरफ चलने वाला होता है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। कल मैंने माइंड ट्री की एनालिसिस स्टडी नाम बोला था और बोला था 880 तक जाने के चांसेज है। सेम चीज़ आज उसने मूव भी किया। उसी तरीके से मैं आज भी कुछ स्टॉक की स्टडी भी करूँगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो आज हम देखते हैं निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है, निफ्टी बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड हुआ है। उसके बेसिस पे जो एक्चुअली 9 कंटिन्यू 3 वीक से अप ट्रेंड चल रहा है, चौथा वीक में मैंने बोला था मंगल या बुधवार को रिवर्सल मिलना चाहिए, तो स्टॉक वाइज मूवमेंट आज हुआ है, रिवर्सल के ट्रेंड हुए हैं। अब देख भी रहे हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो में कि 119 स्टॉक डाउन में है और 93 स्टॉक अप में है, तो स्टॉक वाइज मूवमेंट मिल रहा है। कुछ स्टॉकों में तेजी बाकी होने के कारण तेजी हो रहा है, लाइक टाइटन, एस्कॉर्ट, इन सब कंपनियों में, जुबिलेंट फूडवर्क, इनमें थोड़ी सी तेजी बाकी होने के कारण ये तेजी HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक, तो ये सारे स्टॉक में एक टॉप फॉर्मेशन होने की चांसेज है। उसके बाद जब रिवर्सल आएगा तो ये सारे स्टॉक नीचे की तरफ आएंगे, लेकिन अभी अब ऐसा कोई सिग्नल नहीं मिला है और जो स्टॉक पहले से चल चुके हैं उनमें ही मंदी की चांसेज है। और जो स्टॉक बॉटम बना रहे लाइक HPCL, BPCL, उनमें बाइंग अपॉर्चुनिटी आने के चांसेज हैं निचले लेवल पे। BPCL, HPCL में एक दो दिन का और बॉटम प्राइस है, टाइम वाइज प्राइस वाइज करेक्शन हो चुका है, टाइम वाइज करेक्शन पेंडिंग होने के कारण इनमें मंदी आ रही है। अब हम देखते हैं निफ्टी का क्या लेवल निकल के आया है। निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की जो क्लोजिंग है ये 10,530 के ऊपर, और कैश का जो लेवल है 10,548, उसके बेसिस पे जो बाइंग लेवल निकल के आया 10,567, 10,580 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो जो टारगेट फोर है ये मेन टारगेट होगा, जो मैंने कल भी शेयर किया था 10,611 तक जाने के चांसेस होंगे। सेम अगर कल डाउन साइड में लेवल कटेगा 10,530 तो हम नीचे जा सकते हैं 10,480 तक, और 10,485 के आसपास अगर हम जाएं और उस लेवल के आसपास बंद होते हैं तो हम एक प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि थर्सडे से एक 99% रिवर्सल आने के चांसेस होगा। जब तक हम अपने हाई से नीचे बंद नहीं होते हैं तब तक बाज़ार में मंदी आने के चांसेज कम है। जिस तरीके से कल भी हाई लेवल पे बंद हुआ, आज भी हाई के पास बंद हुआ है, तो इस तरीके से क्लोजिंग होना कंपलसरी है। 500 के नीचे आसपास बंद होता है तो ही हम मंदी देखेंगे, और ये जो मंदी होगा ये शॉर्ट टर्म मंदी होगा। बाज़ार में गिरावट जो होगी सेकेंड वीक ऑफ मई से ही गिरावट होनी चाहिए, तो ये छोटा सा करेक्शन होगा फिर से ऊपर आने की ट्राई करेगा। तो ये छोटी सी करेक्शन जो होगा कहाँ तक लेके जा सकता है, तो जब तक रिवर्सल नहीं होता है, 4,500 के लेवल को नहीं तोड़ता है तब तक 380 और 300 तक निफ्टी आ सकता है नेक्स्ट वीक तक।
तो उसके लिए रिवर्सल होना कंपलसरी है। जैसे जैसे ऊपर चल रहा है वैसे वैसे हम ऊपर के लेवल पे हम सस्टेन करेंगे। ये रहा बैंक निफ्टी का लेवल, सॉरी निफ्टी का लेवल एनालिसिस। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का जो मेरा स्टडी है 25,335 के आसपास बंद हुआ है। दोनों का प्रीमियम ख़त्म हो गया, एफ एंड और कैश का प्रीमियम ख़त्म हो जाने हो गया है। लेकिन इसमें जो बाइंग लेवल है 25,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को पार करेगा तो 25,750 तक जा सकता है। लेकिन सेल साइड में अगर लेवल जनरेट होता है 25,200 का लेवल या 240 का लेवल टूटेगा तो 25,135 तक जा सकते हैं और वहाँ से फिर शार्प रिकवरी होने के चांसेस होंगे। तो दोनों ही तरफ चलने के चांसेस हैं। अब हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो साउथ इंडियन बैंक, जो मैंने एक हफ्ता पहले भी बोला था किसी न किसी वीडियो में, वो आज उसने ब्रेकआउट दिया है और साउथ इंडियन बैंक में अच्छा खासा राइज हुए हैं। तो इनमें अभी इसमें तेज़ी है और 60 पैसे के आसपास बंद हुआ है। 28 रुपीज़ 29 रुपीज़ 50 पैसे तक जाने के चांसेज हैं साउथ इंडियन बैंक का। साउथ इंडियन बैंक का जो कल का टारगेट होगा 27 रुपीज़ 60 पैसे तक जा सकता है और उसके ऊपर भी जाने के चांसेज होंगे। तो साउथ इंडियन बैंक सेकंड रिलायंस इंफ्रा, मैं किसी स्टॉक को बाई सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिलायंस इंफ्रा का अगर इसमें अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वॉल्यूम के साथ बाइंग भी हुई है और इसका एक रिट्रेसमेंट लेवल था 456, उसके ऊपर सस्टेन किया है, क्लोज किया है, कल भी क्लोज किया था। और जो इसका मूविंग एवरेज है 50 डीमा और 20 डीमा, इसके ऊपर क्लोज हो रहा है। तो 100 डीमा का जो मूविंग एवरेज है 472 और 482 यहाँ तक जा सकता है। 472 रुपये और 482 रुपये तक जाने के चांसेज है। वैसे जो इंट्राडे का लेवल है ये रेजिस्टेंस फेस करेगा 462 के ऊपर, 474 तक जा सकता है। तो यहाँ के लिए इस टारगेट के लिए आप देख सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर बाइंग हो तो ही जाए। और इसका स्टॉप लॉस जो होगा 455 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। तो जो भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बेस पे ही ट्रेड करें। इस तरीके से टाइटन का जो, टाइटन ने भी बहुत अच्छा खासा ऑलरेडी निचले लेवल से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो टाइटन का ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस क्या है उसकी भी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि टाइटन का जो टारगेट है कल के सेशन में 1,021 तक जा सकता है टाइटन, और वहां से हम सेल साइड जनरेट करेंगे मे बी। तो इसका जो मैक्सिमम टारगेट है टाइटन का जो मैक्सिमम टारगेट होगा 10,030 के आसपास एक मैक्सिमम टारगेट है। उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेज हैं। वैसे ही इंट्राडे का जो लेवल है 1,021 और 14 के आसपास स्टॉप बनाएगा, तो वहां से हम 10 रुपये से 20 रुपये की गिरावट देख सकते हैं। तो 10 रुपये की गिरावट देख सकते हैं। तो इस लेवल में बाई नहीं करना है। ये रेजिस्टेंस पे टारगेट 3 पे हम सेल इनिशिएट कर सकते हैं। क्लोजिंग बेसिस पे 1030 का स्टॉप लॉस लगा के हम क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड कर सकते हैं कल के लिए टाइटन। सेम एस्कॉर्ट का भी टारगेट ऊपर का अचीव हो चुका है, थोड़ी सी एक टारगेट पेंडिंग है। एस्कॉर्ट का जो टारगेट है आज इसने ऊपरी लेवल से गिरावट देखा है, लेकिन 994 का जो लेवल है अब ये आने वाले नेक्स्ट वीक तक, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये अगले वीक तक ये एक टारगेट इसका पेंडिंग है जिसका टारगेट 1005 तक आ सकता है। 1005 के बाद इसका मैक्सिमम डाउन अपसाइड का जो टारगेट है 1005 1010, उसके बाद इसमें करेक्शन देखेंगे। और जिन लोगों ने निचले लेवल से बाई किया हुआ है उनको इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए नेक्स्ट वीक मीन्स मई के सीरीज में इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग बड़ी देखी जा सकती है। तो 1005 का मैक्सिमम अपसाइड है, तो अगर उसके आसपास मिलता है तो पोजिशनली इसको शॉर्ट करना है, शॉर्ट कर सकता है। तो ये रहा आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल एनालिसिस।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।